क्या यूपी में महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी कांग्रेस? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल होने के कांग्रेस के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को लेकर जो रुख अपनाया है, उससे पार्टी को जोर का झटका लगा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। दरअसल बीएसपी की खामोशी और एसपी के महज 2 सीटें देने के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने भी सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाया है। खबर तो यहां तक है कि कांग्रेस ने इसको लेकर बकायदा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि वैसे भी पार्टी के ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर रजामंद नहीं थे। हालांकि बीएसपी के साथ गठबंधन किया जा सकता था, लेकिन मायावती की योजना अधिकतम सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को खड़ा रखने की थी, ताकि त्रिशंकु लोकसभा बनने की सूरत में पीएम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी का दावा पुख्ता हो सके। कांग्रेस नेता ने इस दौरान 2017 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एसपी संघ लड़ने का अनुभव काफी कड़वा रहा। उस चुनाव में पार्टी को बेहद कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में हम उस गलती को फिर से दोहराना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि बावजूद इसके कांग्रेस एसपी के विरोध में जाना नहीं चाहेगी और एसपी को भी ऐसा ही करना होगा, ताकि देश में विपक्षी एकता को लेकर खराब संदेश न जाए। इस कांग्रेस नेता की माने तो मायावती देश भर में 100 सीटें मांग रही है, जो कहीं से भी संभव नहीं दिखता। ऐसे में अगर वो अपनी डिमांड को आधार नहीं करती हैं, तो फिर कांग्रेस चुनाव में अकेले जाने को प्राथमिकता देगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।